हेलो गाइस, वेलकम टू द लिक का नॉलेज। दोस्तों, आज हम ऐसी रंग के बारे में बात करेंगे जिसके नाम और ट्रेडमार्क के लिए दो ऐसी वर्ल्ड वाइड कंपनियों के बीच विवाद छिड़ गया और यह विवाद पूरे लगभग 18 वर्ष तक चला। दोस्तों, मैं पंकज परियार आज आपको हवाना क्लब रंग के बारे में बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसे कहाँ बनाया गया था और इसे किसने बनाया था। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हवाना क्लब का इतिहास सन 1934 से शुरू होता है, जिसे सन 1934 में क्यूबा के कार्डेनस में स्थित जोस अरेचावाला SA के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अरेचावाला का इतिहास बता देता हूँ ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी हो। दोस्तों, अरेचावाला परिवार ने सन 1878 में क्यूबा के कार्डेनस में एक डिस्टिलरी की स्थापना की जिसका नाम था ला विजकाया। दोस्तों, जब क्यूबा स्पेन से स्वतंत्र हुआ तब कार्डेनस ही वो पहला स्थान था जहां अमेरिकी नौसेना ने बमबारी की थी। उसके बाद दोस्तों, सन 1888 में क्यूबा के स्वतंत्रता संग्राम में हुए नुकसान से निपटने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने अरेचावाला को लगभग 50,000 पैसों दिया, जो आज के समय में लगभग 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर होता है, जिससे अरेचावाला ने डिस्टिलरी का पुनर्निर्माण करवाया और 18 जनवरी 1921 में इस डिस्टिलरी का नाम बदलकर जोस अरेचावाला SA कर दिया, जिसके कुछ सालों बाद 19 मार्च 1934 में हवाना क्लब का निर्माण हुआ और इसके तुरंत बाद ही इस रम की लोकप्रियता बढ़ती गई। उसके बाद दोस्तों, हवाना क्लब रम को अमेरिका के बाजारों में उतारा गया जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि कौन सी ऐसी दो वर्ल्ड वाइड कंपनियाँ हैं जिनके बीच ट्रेडमार्क को लेकर और उसके नाम को लेकर विवाद चल रहा है। दोस्तों, इस ब्रांड को सन 1959 में क्यूबा क्रांति के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने इस ब्रांड को अपने अधीन कर लिया, जिससे दोस्तों क्यूबा सरकार ने सन 1993 में फ्रांसीसी स्वामित्व वाली प्रिनोड रिकॉर्ड कंपनी को बेच दिया, जिसमें अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर हवाना क्लब को पूरे विश्व भर में निर्यात करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, उसकी दूसरी तरफ क्यूबा की क्रांति के बाद क्यूबा छोड़ने वाले क्यूबाई परिवार से बकाडी ने मूल अरेचावाला की हवाना क्लब की रेसिपी खरीदी। उसके बाद दोस्तों, सन 1994 में बकाडी ने हवाना क्लब रम का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया, जो कि एक प्रतिस्पर्धा उत्पाद था जिसे प्यूटो रिको ने बनाया था और इस उत्पाद को सबसे पहले बकाडी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बेचना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप बकाडी और प्रिनोड रिकॉर्ड हवाना क्लब के नाम के स्वामित्व को लेकर मुकदमा लड़ रहे हैं। हालांकि सन 2012 में यह मुकदमा बकाडी जीत गई। दोस्तों, बात करें इसको बनाने की तो हवाना क्लब रम को दो डिस्टिलरियों में बनाया जाता है। दोस्तों, पहली डिस्टिलरी सांता क्रूज डेल नॉर्ट में स्थित है, जिसकी स्थापना 1970 में की थी, और दोस्तों दूसरी डिस्टिलरी को सेंट जोस में बनाया गया था जिसकी स्थापना सन 2007 में की थी। दोस्तों, इसको बनाने के लिए गन्ने के रस का प्रयोग होता है, जिसे एक बड़े से कंटेनर में डालकर उसमें पानी मिलाकर उसको पतला किया जाता है और बाद में उसको खमीर मिलाकर फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद इसे तांबे के बर्तन में इसको डिस्टिल करा जाता है और इसकी एजिंग के लिए इसको बर्बन कास्क में मैच्योर करा जाता है। इसका टेस्ट आपको सैंडलवुड, थोड़ा बटरी, थोड़ा कैरमलाइज्ड और थोड़ा हिंट ऑफ वनीला टाइप का टेस्ट आएगा। इसमें 40% अल्कोहल होता है और 700 ml की बोतल होती है। बाकी आप इसे पानी के साथ, सोडा के साथ या गर्म पानी करके इसको ड्रिंक कर सकते हैं। उत्तराखंड में तो ये 3395 समथिंग की है। आपकी कंट्री में, आपके शहर में क्या प्राइस है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।